साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे स्कूल का किचन गार्डन। इस किचन गार्डन में फ़िलहाल बहुत सारे मक्के के पेड़ लगे हुए हैं और फूल तो इतने सारे कि यहाँ पर जिधर देखो उधर फूल ही फूल है। ये कुछ अंदर से नज़ारा है, पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम खाली चीज़ थी, बट बाद में यहाँ पर किचन गार्डन बनाया गया। ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ पहले काफ़ी छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी छाया आ गई, जिससे कि हम बैठ सकते हैं। ये फूल देखिए कितना बढ़िया है और काफ़ी अच्छी इससे महक आ रही है, बहुत सुंदर फूल है। चलिए आगे चलते हैं और आगे से दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ का नज़ारा। देखिए कितना फूल है, पीले और पीले कलर के काफ़ी अच्छे पेड़ हैं गेंदे के, और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है आपको ये मॉडल क्लस्टर पुराना वाला। एंड यहाँ पर अभी एक और नया पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें कि अधिकतम जाम के पेड़ लगे हैं। कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा पार्क दिखने लगेगा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर पौधे जब इसके बड़े हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर फल खाने को यहाँ पर मिल सकते हैं। पहले यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था, ये बाद में लगाया गया है। हरे झंडे इसकी शोभा और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर फूल खिले हैं गेंदे के, क्योंकि दशहरा और दिवाली के अवसर पर ये सारे फूल यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग अपने घरों पर ले जा लेंगे इन्हें गाड़ियों की पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए। ये देखिए हमारे स्कूल का ग्राउंड, और स्कूल पीछे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। पौधों की वजह से, पेड़ की वजह से दिख नहीं पा रहा है प्रॉपरली, बट काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमारा स्कूल है, बढ़िया यहाँ पर पार्क है। ये देखिए किचन गार्डन का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, चारों तरफ फूल ही नज़र आ रहा है। मतलब कितना बढ़िया नज़ारा आपको हम आज के इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गिट्टी डाली गई, जिससे गाड़ी फिसले ना। इस रास्ते के दोनों तरफ गेंदे के पौधे हैं, जिसमें कि फूल है, जिससे कि रास्ता भी सुंदर दिखाई देता है और आने जाने में भी अच्छा लगता है। पूरे ग्राउंड के ऊपर आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे, जिधर देखो उधर देखो। अशोक के काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पर पेड़ हैं और चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। ये गिट्टी भी पहले नहीं डली हुई थी, पर अभी ये गिट्टी डलने चालू हो गई है। और ये है हमारे स्कूल का एग्ज़िट के, यहाँ पर लिखा है पूना पथारे। एंड अब गेट खुलते हैं एंड हम एग्ज़िट करते हैं, और आपको एक बार फिर से हम रास्ता दिखाएंगे। ये देखिए पूरा बड़ा रास्ता यहाँ का, ये स्कूल का प्ले ग्राउंड है। पहले यहाँ पर एक वॉलीबॉल ग्राउंड हुआ करता था, वॉलीबॉल भी अभी बहुत कम खेला जाता है यहाँ पर, और क्रिकेट भी हमने यहाँ पर बहुत खेला है, बट अब स्कूल में काफ़ी डिसिप्लिन आ गया है, सो अब यहाँ पर अलाउ नहीं है क्रिकेट खेलना वगैरह। एग्जिट गेट सामने का आगे, ये रहा स्कूल का इंटर गेट। मैं बाहर आ चुका हूँ स्कूल से एंड लॉक लग गया, एंड कुछ इस तरीके का था हमारे स्कूल का गार्डन एंड ग्राउंड। एंड एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धुनावा, और यह आम रास्ता नहीं है, और जाने के लिए परमिशन की सख्त आवश्यकता। आगे नंबर यहाँ पर दिया